हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे एयरफोर्स स्कूल में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, इसमें वायुसेना में वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली पोस्ट रखी गई है प्रिंसिपल के लिए। दोस्तों, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन एंड एजुकेशन की, तो इसमें मास्टर डिग्री भी थे मिनिमम 50% ऑफ ग्रेड मार्क्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, साथ में इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अपने कोर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या UGC से अपने कोर्स को क्वालिफाइड किया हो। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इसमें लेटेस्ट 2 ईयर एज ए PGT के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड साथ में दोस्तों, इसमें 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए TCET के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। दोस्तों, बात करें इसमें एज लिमिट की, कि इस वैकेंसी में एज लिमिट कितनी रखी जा रही है, तो इसमें मिनिमम 35 साल एंड मैक्सिमम 50 साल की एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, इसमें वुमेंस कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेबल एज भी रखी गई है। दोस्तों, इसकी अगली पोस्ट है PGT फिजिक्स के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, एंड बात करें इसमें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें मास्टर डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UGC की तरफ से अपने कोर्स को क्वालिफाइड किया हो। दोस्तों, इसमें अगली वैकेंसी है PGT केमिस्ट्री के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। एंड इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली वैकेंसी PGT मैथ के लिए है। दोस्तों, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। एंड इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट है PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। एंड इसमें क्वालिफ़िकेशन BE और BTech के कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस एंड IT के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, इसमें डिप्लोमा फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, और इसमें BTech एंड BE के कैंडिडेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। साथ में दोस्तों, इसमें MSc कंप्यूटर साइंस एंड MCA के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट है PGT बायोलॉजी के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों, इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एंड इसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट है PGT कॉमर्स के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विथ अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट है PGT इकोनॉमिक्स के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी दी गई है। इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट PGT हिस्ट्री के लिए है, जिसके लिए एक वैकेंसी रखी गई है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगली पोस्ट रखी गई है PGT ज्योग्राफी के लिए, जिसके लिए एक वैकेंसी दी गई है। दोस्तों, एंड इसमें मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसे ही और भी वैकेंसीज में वैकेंसीज की पोस्ट आई हुई हैं, तो आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन के लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इस वैकेंसी की और भी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसमें एज लिमिट की, कि इस वैकेंसी में सबकी एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है, तो इसमें मिनिमम 21 साल एंड मैक्सिमम 50 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है। दोस्तों, जिसकी काउंटिंग 1 जुलाई 2021 से की जानी है। दोस्तों, इसमें वुमेंस कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेबल एज भी रखी गई है। तो अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्पेशली MS-DOS के नॉलेज होने के साथ साथ यहाँ पे एबिलिटी टू रीड एंड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो
दोस्तों इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इस वैकेंसी की सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसमें दोस्तों इसका फॉर्म सबमिट होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड इस फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2021 की रखी गई है। दोस्तों इसमें इसके फॉर्म राइट एंड टेस्ट एंड डेमो क्लास एंड इंटरव्यू की डेट यहाँ पे मार्च 2021 में रखी गई है फर्स्ट वीक के। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।